बल्ला मेरा कोई कसूर नहीं है फीफा खातून, मुझ पर अचानक हमला हुआ था। रात को उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने दोगे, क्या ये नहीं कहा था तुमसे? जिद कर रही थी, भेजने पे मजबूर हो गया था मैं। दुआ करो सही सालिम मिल जाए खातून। फिरोजा खातून, अफीफा खातून, फिरोजा, बताओ क्या हुआ है तुम्हें, क्या किया गुरम ने तुम्हारे साथ? फिरोजा, दयारे अजम से आने वाली कमसात औरत, तुमने देख लिया कि तुम्हारी जान के कोई वक्त नहीं। अब इसकी मालिक मैं हूँ, जब चाहे ले लूंगी, लेकिन डरो नहीं, सांस लेती रहोगी, इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी तुम्हें। बोलो ना खातून, कुछ तो बताओ हमें, कैसे हुआ ये हाल? कहीं जबान तो नहीं काट दी? क्या हुआ हमें बताओ। ये बहुत ताकतवर जहर है, निहायत जोर असर है, एक दो कतरे ही तिरके टुकड़े करने के लिए काफी होते हैं इसके। मुंह से खून उबलेगा, अपने खून में डूब जाओगी। अरसे से अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि खुद से एक वादा किया था। मेरा रब शाहिद है, खुद से कसम खाई थी मैंने कि अगर आका को खो दिया या उनकी मोहब्बत खत्म हो गई मेरे लिए, तो इस शहर से उसी दिन अपनी जान ले लूंगी मैं। क्योंकि उनकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सबब है। इसलिए फिलहाल तुम्हारी सांसें जरूर चलती रहेंगी। मुझे जिंदगी देने वाली की मोहब्बत तुम्हें कैसे जलाकर राख कर देगी, तुम अपनी आंखों से देखोगी। आज मेरी जान न लेकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा मलिका। अगर तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है तो फिर तुम्हारे साथ एक समझौता कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल हम दोनों में से कोई एक हार जाएगा। वो दिन आने के बाद अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस शहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? हाँ मैं जरूर पीऊंगी। वक्त आने पर याद दिलाऊंगी तुम्हारे अल्फाज। फिरोजा कोई बात करो हमसे, क्या किया हुरम ने तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ मेरे साथ। कैसे कुछ नहीं, तुम्हारी ये हालत क्यों है फिर? शहजादी मैं ठीक हूं। फिरोजा डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या हुआ। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हुरम सुल्तान आई थी मेरे पास, गुस्सा किया मुझ पर, नफरत का इजहार किया और धमकी देकर चली गई। क्या बस इतना ही किया?
हाँ बिल्कुल, बस और कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में ले जाए खातून को। ये कुछ छुपा रही है। बिल्कुल, लगता है खौफ ज्यादा किया है, इस वजह से खामोश है। अफीफा खातून, आज रात जो हुआ मैं जानना चाहती हूँ। मालूम करने की कोशिश करती हूँ शहजादी। कायदे समझा दी क्या इस खातून को? समझा दिए हैं फिदान खातून। क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे पूछ रही हूँ खातून। मैं यहां से जाना चाहती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मुझे निकाल दें यहां से। यहाँ की सब कनीजों की तरह शहजादे मुस्तफा मोहतरम की मिल्कियत हो तुम खातून। शहजादे ने एहसान किया है तुम्हें यहाँ हरम मिलाकर, और सिर्फ यही नहीं, आज पहली ही रात बाबी जन्नत खुल जाएगा तुम पर। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। ले जाओ इसे। रख लिया चाहता हूं। ये बात सोचकर मेरा दिल जैसे हलक में आ जाता है, सांसें रुक सी जाती हैं। क्या ऐसी होती है मोहब्बत? कोई शक नहीं। कुछ भी करो, चलो यहां से कहीं दूर चलते हैं जहां हमें कोई देख ना सके, ऐसी जगह। तो फिर तैयार हो जाना, उनके आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। खुशामदीद। तुम यहां पर कैसे? हेलेना, मेरी मासूम मोहब्बत, तुमने मुझे एक शहजादे पताशी दी थी ना,
मांगो जो भी चाहिए तुम्हें, दुनिया बिछा दूंगा तुम्हारे कदमों में। क्या मतलब इसका? तुम मुझसे मेरे साथ शुरू से ही खेल खेल रहे थे? झूठ था वो सब। नहीं, झूठ था ना? नहीं, जो भी हमारे बीच हुआ वो हकीकत था। यहां लाने का सिर्फ एक ही सबब था, मोहब्बत। मोहब्बत। फैदान। फरमाइए मलिका। हेलेना उठ गई क्या? वो कहाँ है? शहजादे के कमरे में है वो अब तक। आगे से पूछताछ की थी क्या? फिक्र ना करे मलिका, हुरम सुल्तान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। खातून यही की है, सीधी गरीब लड़की है। अपने अहले खाना के साथ बरसों से मनीषा में रहती है। वो कालीन का छोटा कारखाना है इनका। आओ फातिमा। मलिका, तुम्हें क्या हुआ? मलिका, शहजादे खातून को लेकर आए हैं, वो आते ही खलवत में चली गई। कैसे हो गया ये सब? तो अब मेरा बेटा तुमसे पूछेगा कि क्या करना है? हरगिज नहीं मलिका। तुम कतन कोई फितना खड़ा मत करना। फातिमा तुम अब मां बनने वाली हो, अपना ख्याल रखो। फैदान, हेलेना को कमरे खास में लेकर आओ। हरम के कवायद और जवाबत अच्छी तरह समझा दो। आपका जो हुक्म मलिका, लेकिन आपको बताने के लिए एक जरूरी बात है। कल शब उस खातून ने एक बात कही थी मुझसे। वो क्या कह रही थी? वो मदद मांग रही थी, जाना चाहती है यहाँ से। काफी उदास है वो जब से यहाँ आई है। वालिदा। वालिदा, अच्छी लग रही हैं आप, बहुत खुश हैं। कहीं फिरोजा तो नहीं चली गई? तुम्हें इस मामले से कतन दूर रहने का मशवरा दिया था मेहरमा। मैं दखल तो नहीं दे रही, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, बाबा जैसे ही आएंगे तुम उनके पास जाओगी, उन्हें रंज पहुंचा है। जी बेहतर। मलिका। अफीफा खातून, आपसे मोहर लगवाने के लिए बास कागजात लेकर आई हूँ। कैसे कागजात? निगार खातून की रुखसती करवाने के फैसले से मुताल्लिक है ये। निगार क्या मतलब? किससे शादी कर रही है? इदरना के बाजार में माकूल ताजर है और ये वक्त भी मुनासिब है। पाशा का तो बहुत दुख होगा। उसूल के मुताबिक क्या महल में किसी मनसब पर फाइज शख्स से उसकी शादी नहीं होनी चाहिए? ये बहुत नामुनासिब होगा, क्योंकि हम ये मसला आका से पूरी तरह छुपाना चाहते हैं। और बतौर खास कल रात जो कुछ हुआ। क्या मतलब हुआ? फिरोजा खातून। क्या हुआ फिरोजा खातून को? उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वो मिली तो बहुत बुरी हालत में थी। हुरम ने उसे बहुत खौफजदा कर दिया। आज यकल उसे मरवा देगी। शहजादी, आपसे गुजारिश करता हूं कि इस मसले से दूर रहें तो बेहतर होगा। फिक्र ना करें, उसकी हर तरह से हिफाजत की जा रही है। एक बार कोशिश तो की थी, मगर निगार ने रोक लिया। निगार ने रोक लिया? Thank you.
आफीफा खातून ने बताया था, यही कि निगार खुद को वफादार साबित करने की कोशिश कर रही है। उसकी हिफाजत की खातिर हर एहतियाती तदबीर करना जिम्मेदारी में शामिल है, मेरा फर्ज है। तो किसने रोका है आपको? जो चाहे करें, वैसे भी जब से आप आई हैं यही काम कर रही हैं। कितनी अहमियत है खबर मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। वालिदा। कमरे में जाओ मैंने कहा। माजरत चाहती हूँ मनिका, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही हूँ। हर किसी के साथ इंसाफ करने पर मजबूर हूँ। मुनसिफ हैं आप, आ गई। ये कैसा इंसाफ है आफीफा खातून? मैं जब आई थी इस महल में अकेली थी, मेरी हिफाजत करने वाला कोई ना था, सब लोग मेरे मुखालिफ थे। इब्राहिम पाशा, खजीना सुल्तान, मरहुमा वालिदा, माहिदौरा, ये सब। कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई क्या ये जानती है? मैं हिकारत का निशाना बनी, जुल्म सहे, अनगिनत सजाएं झेली मैंने, सबने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा। बेरहम जादूगरनी, जालिम, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने किसी को नहीं बताया, किसी से भी जिक्र तक नहीं किया। मगर फिरोजा जब से आई है हर कोई उसके साथ है, उसकी हिफाजत के लिए सब मुत्तहिद हो गए हैं। उसको मेरे पास ही रखा गया ताकि मेरा मजाक उड़ाया जाए। क्या इसी को इंसाफ कहती हैं आप आफीफा खातून? बताइए मुझे। चलिए सब कुछ तो समझ में आता है, सबके मुझसे अलग अलग इख्तलाफात हैं, लेकिन आप जो मेरे खिलाफ हैं, सरबराए खजांची की हैसियत से आप क्यों मेरी दुश्मन बन गई हैं? सुल्तान सुलेमान की वाहिद बानिका सौचा हूं मैं, इस खानदान को 5 औलादे दे चुकी हूं, लेकिन एक मामूली सी कनीज से आप मेरा मवाजना कैसे कर सकती हैं? हरगिज़ नहीं मलिका, दुश्मनी कैसी? मुझसे अगर आपके एहतराम में कोई कमी हुई है तो माफ कर दे, लेकिन मैं आपसे मैं अपनी हिमायत या अपने अमान की चश्मपोशी बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसा हुक्म हरगिज़ नहीं दूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी हो। मैं आपसे सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। अगर आपकी नजर में यही अदल है तो फिर मेरे लिए भी ऐसा ही सोचिए। फिरोजा, कल रात जो कुछ हुआ तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं, वो मसला मेरे और हुरम सुल्तान के दरमियान है। इतनी बड़ी हस्ती से मुकाबला करने की जुर्रत कर रही हो, या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बेवकूफ, लेकिन यकीनन तुमने कुछ सोचा होगा। हाँ सोचा है, तुम भी देख लोगी कि सबके साथ क्या करती हूँ मैं। आका की कोई खबर है क्या? खैरियत तो है? आका से क्या काम पड़ गया? वो मेरे भाइयों के साथ शिकार से रह गए हुए हैं, जहां आका नहीं लेके गए तुमको।
निगार खातून, इधर उधर घूमने से बेहतर है तैयारी करो अपनी, शादी होने वाली है तुम्हारी, क्या जानती नहीं हो? शहजादी मुझे मौका दें, अपनी खता की तलाफी करना चाहती हूँ मैं। अपने हुजरे में वापस जाओ, छुप कर बैठी रहो वहां पर, क्योंकि वालिदा को शायद तुम जानती नहीं हो। तुम्हें खत्म करना अब उनकी आना का मसला है। हम जब भी मनीषा जाएंगे तो वहाँ सब मिलकर शिकार करेंगे, वहाँ के पहाड़ और जंगलात जरा मुख्तलिफ हैं। जब 16 बरस के थे तब आप वहाँ गए थे ना? दुरुस्त, वहाँ काफी अरसा गुजारा है, वो इलाका खूब जानता हूँ। फिलहाल शहजादे मुस्तफा हुक्मरान है उस सरजमीन के। वैसे मैं कहाँ जाऊँगा आका, कौन सी रियासत में? उजलत मत करो, वक्त आने पे तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। और कितना पैदल चलेंगे हम? क्या हुआ, थक गए क्या? थक गया हूँ, यहाँ शेर भी नहीं और भेड़िए भी नहीं। इस जंगल में शेर नहीं शहजादे। और भेड़िए? हाँ वो हैं और बहुत से हैं। तुमने काला भेड़िया देखा है? देखा है शहजादे, बड़े कद का था, बाल बहुत लंबे थे उसके, उसके दांत इतने ताकतवर थे कि अपने शिकार के एक ही बार में टुकड़े कर दे। दोस्तों आगा, हुक्म कीजिए मेरे आका। यहाँ कुछ आराम करना चाहता हूँ। जैसे आपका हुक्म। कहाँ थे तुम? तुम्हारा कई बार पूछा तो नहीं मिले। मैं जंगनामा लिखने में मसरूफ था पाशा, अजम के सफर में जो देखा जो सुना वो सब हिताए तहरीर में ला रहा हूँ। उसका नाम बयान मनाजिल सफर अजम सुल्तान सुलेमान खान रखा है। आला, आका के साथ जंगनामे में मेरा भी जिक्र करना मत रखिए, जानते ही हो तहरीर हमेशा जिंदा रहती है। पाशा मोहतरम, सुबह मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुस्तफा पाशा, खैर तो है? पाशा, फ्रांस के शाह फ्रांसवा के एलची आए हैं, वो काफी अरसे से सफारतखाने में आपके मुंतजर हैं। अच्छा, फिर उन्हें बुलाया जाए, जरा सुनते हैं क्या है उनकी तकलीफ। अयास पाशा के साथ कासिद पाशा भी दीवान में हाजिर रहे। जो हुक्म आपका पाशा। आका शिकार से राय में क्या तन्हा गए हैं? नहीं पाशा, शहजादे भी उनके साथ गए हैं। रुस्तम? वो भी उनके साथ। कैसा ख्वाब? ख्वाब ही था शहजादे, ऐसी अजीम तरीन सल्तनत के कयाम का ख्वाब ही तो देखा गया था उस वक्त। किसने देखा था ख्वाब? सबसे अजीम तरीन बुजुर्ग उस्मान खान मोहतरम ने। उस वक्त वो एक मामूली सूबेदार थे, एक शब उन्होंने ख्वाब में शेख अब्दाली को देखा। एक खेमे में वो इनके सामने आ बैठे, अचानक ही शेख अब्दाली की बाजू के नीचे एक चांद नमूदार हुआ, बाद में वो चांद उस्मान खान के हाथ पर आ गया। उसके बाद उनका सीना चकाचौंध रोशनी से भर गया, इतनी रोशनी, इतनी चमक दमक, वो आंखों को चुंधियाने वाली रोशनी थी। बढ़ते बढ़ते आसमान को पहुंच गई, कुछ ही देर में तमाम रुए जमीन पर फैल गई, और इस तरह से तीनों बर आजम उस रोशनी में नहा गए। लोगों को उस रोशनी ने अपनी लपेट में ले लिया, और फिर उस्मान खान का ही नाम था सबके लबों पर। शब के आखिरी पहर उस्मान खान की आंख खुली, वो फौरन उठकर खड़े हो गए, अपना ख्वाब शेख अब्दाली से बयान किया। शेख साहब ने उनसे फरमाया, उस्मान पिसर, बादशाहत तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को मुबारक हो।
शहजादा, हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज़ औक़ात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। तुम जब पैदा हुए मैंने ख्वाब देखा था, मेरे कुशादा कमरे में हर तरफ अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। जब मैं एक शमा जलाने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक रोशनी हो गई, जैसे चांद निकल आया हो कमरे में। वो तख्त को रोशन कर रही थी, जब उसकी तरफ देखा तो उस तख्त पर तुम थे, तख्त पर तुम सो रहे थे। मेरा रब तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए, ना तुम्हारा और ना तुम्हारे भाइयों का कोई गम मुझे देखने को मिले। रुस्तम आगा। हुक्म कीजिए आका। तैयारी करो, अंधेरा होने से कबल रवाना होना है। सिपाहियों तैयारी करो, चलो जल्दी से। शहजादे आप इस तरफ आ जाएं। रुस्तम आगा। फरमाइए मेरे आका। महल पहुंचते ही महमद के अतालिकों से मिलो, उनकी और तुम्हारी नींद अब हराम है। महमद की मुकम्मल तरबियत के लिए कोई कसर न उठाई रखी जाए। समझ गया आका। फ्रांस की शाह फ्रांस फकील जी मोसियो फोरे तशरीफ लाए हैं। आने दो। वजीर आजम मोहतरम। मोसियो फोरे खुश आमदीद। पाशा मोहतरम, दोस्त और बिरादर मुल्क फ्रांस की बादशाह फ्रांसवा की जानिब से सलाम पेश करता हूं। मुलाकात पर इतने इसरार का सबब आखिर क्या है? खबरें अच्छी नहीं क्या? हिस्पानिया का शाह शार्कलेन तमाम मुमालिक को यकजा देखना चाहता है पाशा मोहतरम, खास तौर पर अतालिया की बागडोर अपने हाथों में लेने की नीयत रखता है। अगर आपने मदद ना की तो वो अपने मकासिद में कामयाब हो जाएगा, और फिर उसके बाद फ्रांस की बारी आएगी। वो हमें सफाए हस्ती से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। शार्कलेन ने कभी भी हमारे आका का सामना करने की जुर्रत तक नहीं की, उसमें हिम्मत ही नहीं है, डरपोक है। हम पूरे जर्मनी में दंदनाते फिरते रहे, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उसने जर्रा बराबर भी कोशिश नहीं की। कोई ऐसा भी शहंशाह होता है? हमारे नजदीक शार्कलेन हिस्पानिया का बुजदिल तरीन शहंशाह होने के सिवा और कुछ भी नहीं है। हाँ, सफर दियारे अजम के दौरान उसने हिम्मत करके हमारी रियासतों पर दोबारा हमला किया। वो आपसे मुकाबले की जसारत कभी नहीं कर सकता पाशा, फिर से फरार होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसने हमारी खैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए त्यूनिस और जजायर पर दोबारा हमला कर दिया। बेचारा, शार्कलेन को हर हाल में उसका हिसाब देना होगा। खैर ये बताएं कि आपके शाह फ्रांसवा दोस्ती के अलावा क्या कोई और ख्वाहिश भी रखते हैं हमसे? मलिका, नहायत शिद्दत से आप जिसकी मुंतजिर थी वो दफ्ती में ले आया। मलिका, पाशाओं, सूबेदारों, तमाम सिपाह, काजियों, मुफ्तियों, तमाम एलचियों, सिपाह के आगाओं, सल्तनत के अंदर और बाहर जितने भी अहम मनसब पर फाइज लोग हैं, उन सब की 2 साल की कारकर्दगी और उनके बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज है इसमें। बहुत खूब।
मलिका, अपने तजस्सुस के लिए माजरत ख्वाह हूं, आप इस मालूमात का क्या करेंगी? किसको अपने साथ रखना है मैं जानना चाहती हूँ सुंदर। मालूम है इब्राहिम पाशा बहुत जल्दी चला जाएगा। कैसे, कहाँ चले जाएंगे? जहाँ मैं भेजना चाहूंगी। उसके होते हुए मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मलिका, पाशा मोहतरम, शाकलेन को मजीद पेशकदमी से रोकने की शदीद जरूरत है। ऐसी सूरत हाल में फ्रांस ज्यादा अरसे तक मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे शाह फ्रांसवा सुल्तान सुलेमान खान की ताकतवर लश्कर समेत आमद के मुंतजर हैं। पाशा, इससे हमें क्या फायदा पहुंचेगा? फ्रांस हिस्पानिया के शाह के खिलाफ सफ आरा होने वाला तन्हा मुल्क है। अगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया तो तमाम ईसाई ममालिक आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। कुफार को हमने कभी उनकी जबान पे कायम रहते नहीं देखा। हमें आधे रास्ते में छोड़कर चले जाए, हमें क्या मालूम। दुरुस्त, बिक और जर्मन के समंदर से शार्कलीन को भगा दिया था, फिर भी आपकी तरफ से कोई तावुन नहीं किया गया। सुल्तान सुलेमान खान को हमारे शाह की मदद करने पर कोई अफसोस नहीं होगा। इसके अलावा आपकी शमूलियत एक तरफ तो शार्कलीन की हिम्मत तोड़ देगी और दूसरी तरफ दुनिया पर हुकूमत करने का इसका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा, और ये बात आपके लिए भी बहुत अहम है। मोसिया फोरे, आपके शहंशाह वाजे तौर पर हमसे क्या चाहते हैं, जल्दी बताएं मुझे। बहरी और बर्री दोनों तरह की मदद चाहते हैं। हमारा शाही खजाना खाली होने की सूरत में हमारी फौज के लिए माली इमदाद की भी जरूरत होगी। इसके अलावा अगर सुल्तान सुलेमान खान मेहरबानी करें तो तिजारत के मुआहदे की भी ख्वाहिश रखते हैं। ठीक, आप रहने दें, फिर हम खुद ही जंग कर लेते हैं। मोसिफोरे, हमारी सल्तनत का पहला असूल यह है कि हमारा दरवाजा हमारे जेरे साया रहने वाली तमाम हुकूमतों के लिए खुला रहता है, लेकिन मुझे यह लगता है कि हमारे ये मुजाकरात कुछ तवील भी हो सकते हैं। आप इस दौरान कुछ अरसे मजीद दुनिया के मरकज इस्तांबुल में सुकून और इस्तराहत फरमाएं। मुजाकरात खत्म होने की सूरत में आका के सामने आपको पेश किया जाएगा। शिद्दत से आप जिसकी मुंतजिर थी वो दफ्ती में ले आया। तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है, तुम वहां रहोगे। लेकिन मैं मुस्तफा के साथ। क्या कहा तुमने? मैं वो। तुम कौन होती हो शहजादा मुअज्जम को नाम से पुकारने वाली? माफी चाहती हूँ, मुझे मालूम नहीं था। ये एक महल है, तुम भी दूसरी कनीजों की तरह अब शहजादे मुस्तफा की मिल्कियत में हो। उसूल और कवानीन सब यही कहते हैं, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह रहोगे। लेट और से दूसरी औरत कौन थी? फातिमा खातून, शहजादे की खास कनीज हैं ये। शहजादी, क्या हुआ क्लारा? जुमरत आगा आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आने दो अंदर। शहजादी, तुम बाहर इंतजार करो क्लारा। जमरुद आगा, क्या खबर है? मक्तूब भेज दिया क्या? भेज दिया शहजादी, एक दो रोज तक उनके हाथों में होगा। तुम्हें यकीन है? आप फिक्र ना करें शहजादी। यह साहब, कहो। पाया तख्त से आगा आए हैं, आपके लिए एक मकतूब लाए हैं। वो
ये उन आका को दे देना, गायब ना करना कहीं। जो आपका हुक्म। इस्तांबुल से तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे तहरीर करदा शार मेरे दोस्त बन गए। तुम परेशान खातिर ना होना, तुम्हारी शायरी मेरे पास महफूज है। मुझे उम्मीद है कि इसे मैं खुद ही तुम्हें वापस करूंगी, और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि मनीषा में मुस्तफ़ा भाई और तुम खैरियत से होगे। तुम लोगों के दिन रोशन और खुशी से भरपूर हों, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से अब तक इस्तांबुल काफ़ी सर्द और बारिश की जद में है। फिरोजा खातून, क्या हुआ, तुम्हें इतने दिनों से बाहर क्यों नहीं निकली? आका वापस आ गए हैं क्या? वो तो वापस आ ही जाएंगे, लेकिन कोई उम्मीद मत रखना। आज जुमेरात का दिन है, तुम्हें कतन कबूल नहीं करेंगे। क्या चक्कर चला रही हो तुम? मेहरबानी करके मुझे तन्हा छोड़ दे आका। अच्छा, अगर शिकस्त खाने वाली मैं हुई तो इस शहर को मैं पी लूंगी, वरना तुम फिरोजा, क्या तुम ये पी सकोगी? हाँ, मैं जरूर पीऊंगी। ये है कि आका सिर्फ जुमेरात की शब हुरम सुल्तान के साथ खिलवत में गुजारना पसंद करते हैं। अगर तुमने ये उसूल तोड़ दिया और अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई तो याद रखो, हुरम सुल्तान अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। बाबा, मेहमत तुम भाइयों के साथ हरम में जाओ। मेहरमा, बाबा, मेहरमा फिर कभी आना। बाबा क्या हो गया? मैं बेचैनी से आपकी वापसी की मुंतजर थी। माफ कर दे मुझे, आपके साथ मैंने बदतमीजी की, लेकिन मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी। बस वालिदा को रंजीदा देखकर ऐसा हो गया। उन्हें तो मालूम भी ना था इस बात का, जब मालूम हुआ तो बहुत डांटा। माफ कर दे मुझे खुदारा। दोबारा मत कर। वादा करती हूँ दोबारा नहीं होगा, बस मुझे माफ कर दे। शहजादे, हमाम की तैयारी करवाए मेरे लिए। आपका जो हुक्म शहजादे। मेहमत। वालिदा, खुश आमदीद। कैसे हो मेरे बेटे? बुखार है क्या? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? वालिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? तबीयत ठीक है मेरी, लेकिन तुम्हें बुखार है। कुछ नहीं हुआ, इजाजत है, मैं लिबास तब्दील करना चाहूंगा। अगर ऐसा ही है तो आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। आ जाओ। पाशा मोहतरम। सुंबुल आका, बताओ क्या हो रहा है?
कोरम सुल्तान क्या तुम्हारी खिदमत से पूरी तरह मुतमईन है? तौबा पाशा, मैं मलिकाओं में कोई फर्क नहीं करता, सबका खिदमतगार हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहो कैसे आना हुआ? हुरम सुल्तान ने मुझे भेजा है, वो आपसे किसी अहम मामले पे तबादला ख्याल करना चाहती हैं पाशा। अहम? यही फरमाया है। ठीक है, जरूर आ जाए, मैं इंतजार कर रहा हूं। यहां नहीं पाशा। पाशा मोहतरम। खुश आमदीद अबू सऊद साहब। बहुत शुक्रिया पाशा मोहतरम, आप आफियत से होंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। सुम्बुल आखा, तुम मलिका को खबर कर दो, मैं आता हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर पाशा। काजी साहब। खैर तो है काजी साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आका से मुलाकात के लिए आया था, उन्हें मेरे आने की खबर है, वो मेरे ही मुंतजर हैं। मेरे आका, इतनी जल्दी आपसे मिलने की तवक्को नहीं थी काजी साहब। फरीजा अहम है मेरे आका, इंतजार नहीं किया जा सकता। खुश आमदीद, आए तशरीफ रखें। आका, फ्रांसवा के सफीर से मुलाकात हुई थी, मुजाकरात शुरू कर दिए हैं। फिर किसी वक्त मालूमात लूंगा, तुम जा सकते हो। जैसा मैंने कहा था, आपने जायजा ले लिया क्या? जी बिल्कुल आका, मैं कई किताबें खंगाल कर आया हूं। कौन से कवानीन का मुताला किया है? आका, सल्तनत के निजाम कवानीन को नई शक्ल देना अब नागुजीर हो चुका है। महसूल और जायदाद के कवानीन अक्सर नाकाफी हैं, इसलिए इन पर ज्यादा वाज़े तौर पर तवज्जो देना है। अवाम उन्नास की बात करें तो इनके लिए कवानीन पर दोबारा गौर व फिक्र करने की जरूरत है। मेरी राय मालूम करें तो आका, शुरू से आखिर तक तब्दील करना शर्त है। ये एक अहम मसला है, क्योंकि जहां इंसाफ नहीं दिया जाएगा, अल्लाह की रहमत भी वहां नहीं होगी। अगर आप इजाजत दें तो आपको बास मौजूआत पर तफसीली मालूमात से आगाह करना चाहता हूं मेरे आका। आपको इजाजत है। में कानून की नई तश्कीलात की अशद जरूरत है, इसी की बिना पर यह निजाम मजबूती से कायम हो सकता है। ये फरीजा एक कानूनी मुफक्किर के अहम तरीन फरीजों में से एक है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मुफक्किर हैं। आप अपना मशवरा दें और जरूरत पड़ने पर सिपे सालारों को भी इस मसले की वजाहत कीजिएगा। जैसे आपकी आरजू हो मेरे आका। एक और अहम बात भूल गया, हाँ, मुलाजमत का निजाम। काजियों और कोतवालों की तैनाती और तरक्की का मेयार मुकर्रर करना होगा मेरे आका। मेरी तरक्की होगी, तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, इन मसाइल पर झगड़े होते हैं, और इस तरह के जो भी मामलात होते हैं वो इंसाफ के दायरे में आते हैं मेरे आका। आप सच कहते हैं उस्ताद चलेबी, यूं भी मुखातिब करते हैं आपको। यह हकीकत है मेरे आका, ऐसे भी मुखातिब करते हैं। आपने तजावीज कलम बंद कर दी क्या? कर दी आका, लेकिन अभी तक ये सब इब्तदाई मराहिल में है। मैं इसे दरबार में सबके सामने रखूंगा, देखिए कैसी राय देते हैं सब। दरबार के बगैर तो हो भी नहीं सकता आका। अल्लाह ताला जल्ले जलालहू ने कुरान मजीद में अपने अजीमुल मर्तबत पैगंबर के वसीले से हमें ये हुक्म दिया है कि वल्लज़ीन नस्तजाबू लिरब्बिहिम
وقام الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام کے متعلق آپس میں مشورے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے. لگتا ہے کہ مفسر کتاب بھی ہیں. اللہ کا شکر کہ اس نے اپنی کتاب مبارک کو مجھے تفسیر کے ساتھ پڑھنا نصیب کیا. میری زندگی نے اگر وفا کی تو خود تفسیر لکھنے کی میری شدید خواہش ہے. آپ جیسے باکمال عالم کی تفسیر بہت سے مدرسوں میں پڑھانے کی ضرورت ہوگی استاد چلیبی. اس بچی کی کیا صورتحال ہے خاتون؟ اس کی صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پریشانی کی بات نہیں ہے کوئی. کوئی غفلت مت کرنا، کاہے بکاہے چاہتی رہنا، کسی چیز کی کمی نہ ہو. بالکل فکر نہ کریں گلفام خاتون، احتیاط کا دامن مت چھوڑنا خاتون. آپ پریشان نہ ہو شہزادی. ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو. ملکہ ادھر 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 ادھر، کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ کچھ نہیں آغا. کیا کچھ نہیں؟ محل سے باہر آنے کی اجازت کس سے لی تھی؟ میں اس لیے آئی تھی آغا، ہورجان سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آئی تھی. او حکیموں کے ہوتے ہوئے یہ تمہارا کام نہیں تھا؟ مرہم لے کر آئی تھی آغا. جھوٹ مت بولو، مرہم لے کر آئی تھی. سنبھل آغا، خاتون کی جان چھوڑو. ملکہ چلو اپنا کام کرو. چلو اس سے زیادہ نہیں چلے گا گلفام. کیا کسی خاندان میں دے دیں بچی کو، کم از کم ماں باپ کا سہارا مل جائے گا. آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں شہزادی، مگر ہم کسے دیں گے؟ کوئی بااعتماد ہونا چاہیے. کس کی اولاد ہے یہ نہیں بتائیں گے کسی کو. ابھی خاصا وقت ہے، مگر اچھے لوگ ڈھونڈنے ہوں گے ہمیں. شہزادی، حرم سلطان تشریف لائی ہیں. یہ اس وقت کیوں آئی ہے؟ بھیج دو. شہزادی، گلفام خاتون. خیر تو ہے حرم؟ تم یہاں آئی ہو تو یقیناً کوئی اہم مسئلہ ہوگا. کافی دن سے ملاقات کا سوچ رہی تھی آپ سے، سوچا آج مل ہی لوں. شہزادی، خیریت ہوگی سب انشاءاللہ. کیوں، کیا ہوا ہے؟ ہو جہاں سلطان بیمار ہو گئی ہیں ابھی پتا چلا. کس نے بتایا یہ سب؟ وہ کھیل رہی ہوں پر اپنے بھائی کے ساتھ. ایسا ہے تو میں نے غلط سنا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں. تم کیسے آئی ہو حرم؟ کہ پیارے شوہر ابراہیم پاشا اب تک نگار کی محبت میں گرفتار ہے، لگتا ہے اسے اب تک نہ بھول سکے وہ. تم جھوٹ بول رہی ہو حرم. اگر میرا یقین نہیں تو مرمر سرائے چلی جائیں، وہاں وقت گزار رہے ہیں، چھپ چھپ کے مل رہے ہیں، ابھی بھی وہی ہیں. جائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یقین آ جائے گا آپ کو.
तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो? पाशा मैं हुरम सुल्तान से मदद की उम्मीद है क्या तुम्हें? वो ये समझती हैं कि हमारे दरमियान अब भी वही ताल्लुक है, इसी वजह से मुझे भेजा है यहाँ। अल्लाह जानता है मैं अब भी सिर्फ आप ही को चाहती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे कुछ खास बातें करना थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सहनशीन कर लो। आपको मेरी बात सुनना होगी पाशा, मेरे साथ जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। मैंने आपको चाहा अपना अंजाम सोचे बगैर, शिकायत की है बगैर, अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की आपसे, लेकिन आपने सब कुछ दरगुजर कर दिया। अगर तुमने मेरी बच्ची को मुझसे छुपाया ना होता तो तुम्हें ये दिन बिल्कुल ना देखने पड़ते, और मैंने बहुत कुछ होने के बावजूद तुम दोनों का एहसास किया, अपने भाई के पास भेजा, लेकिन बाद में जो हुआ मालूम है। और अभी भी जिसने तुम्हें अगवा करवाया तुम उसी हुरम सुल्तान की खिदमत कर रही हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पाशा, आप भी तो अपनी औलाद के कातिल के साथ हैं। करो। एक लफ्ज़ मत कहना आगे। कतन ऐसा मत कहना तुम, हर किस नहीं समझ लो तुम। हसीना सुल्तान इतनी जालिम नहीं हो सकती कि किसी मासूम की जान ले ले, समझ गए तुम? मेरा गुनाह क्या है पाशा? क्या आपको बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं? मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, आपकी मदद चाहिए मुझे। बोलो। मेरे रुस्तम आगा से शादी करवा दे। शहजादी, आपको जाने से मना किया था, आपने क्यों ना सुनी मेरी बात? मैं नहीं गई, वैसे भी पहुंच ही ना सकी। आपने बिल्कुल ठीक किया, उसके लगाए हुए इल्जाम पर हरगिज एतबार ना करें। क्या इससे पहले उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, बेवफाई नहीं की थी? दोबारा ऐसा नहीं करेंगे क्या मालूम। वैसे भी मुझसे माफी तक नहीं मांगी, शर्मिंदा तक नहीं हुई। शहजादी, मैं बहुत डर गई थी गुल्फा, उन दोनों को साथ देखने से डर गई थी। जरा मेरी हालत देखो, कितना बुरा हाल हो गया है मेरा। मेरी अना ने मेरे पांव रोक लिए। ऐसा ना सोचे कभी भी, हुरम की ख्वाहिश भी यही है, आपको दुख देकर बेसुकून करना। वो कामयाब हो गई, बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं।
आका। फिरोजा। मैंने सुना मेरी गैर मौजूदगी में कमरे से बाहर तक नहीं निकली, क्या हुआ है तुमको? मैं ठीक हूं आका। किसने दुख दिया है तुम्हें? आप लौट आए ना, अब किसी चीज की कोई अहमियत नहीं। क्या हुआ, ये क्या हुआ तुम्हें, बताओ। कैसे रही मुलाकात? अच्छी रही। Nasıl geçti buluşmanız? İyi. Bütün anlatacağın bu mu? और कुछ नहीं क्या बताने के लिए? पाशा से बात करके फिर से उनके दिल में घर करना चाहती थी मैं। शायद मेरी उम्मीद पूरी हो जाए मालिका। वाकई? जो कुछ हुआ उसे समझाना चाहती थी, वो खामोश रहे, जवाब नहीं दिया। लगता है दिल के किसी कोने में अब भी मेरे लिए मोहब्बत है। और फिर क्या हुआ? चले गए। अगर ऐसा ही है तो अपनी सारी मोहब्बत दिखाओ निकार, उसे दोबारा अपना दीवाना बनाना है तुम्हें। जा सकती हो अब। हजीना सुल्तान नहीं गई क्या वहां? जाओ जाके मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। बा अदब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। सुलेमान, खुश आमदीद। जहांगीर कैसा है? बाज़ औकात उसका दर्द बढ़ जाता है लेकिन ठीक है। आला। मैं तैयार होने जा रही थी, जानते हैं ना आज जुमेरात है, आपसे मुलाकात की शिद्दत से मुंतजर हूँ। शहजादी, इब्राहिम तुम। शहजादी, आपसे एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं मैं। निगार खातून के मुतालिक। मलिका, आपके जेवरात। खजीना सुल्तान की कोई खबर मिली क्या? नहीं मलिका। क्या हुआ होगा आखिर? खैर, आज रात की मुसर्रत कोई भी कम नहीं कर सकता। सुम्बुल आगा, चलो जल्दी से खाना खाकर चले जाओ, कहीं कोई देख ना ले तुम्हें। अफो, देखने दो, क्या हो जाएगा, मैं खाना ही तो खा रहा हूं। तो भक्तोबा, वल्ला आराम से खाना भी नहीं खाने देते, सारा हलक में फंस गए मेरे। ओहो, अफीफा खातून की बात नहीं सुनी क्या? अभी कल ही आड़े हाथों लिया था हम दोनों को, बावर्ची खाने में आना मना है।
कसम से अगर एक लफ्ज और भी कहा तो तुम्हारा सर कढ़ाई में डाल दूंगा मैं। बेवकूफ। कैसे हो सुम्बलागा? तबीबा को ले आया हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। खैर तो है? तुम अपने काम पे ध्यान दो। काम पे आओ खातून, डरो नहीं, आओ। जी अच्छा, खाना खाओगी क्या? शुक्रिया आगा, मैं खाना खा चुकी हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो शकर आगा जरा मिठाई दो हमें, मीठा खाकर मीठी बातें करेंगे हम। कसम से मुझे बताया गया है तुम अक्सर वहाँ जाती रहती हो। खजीना सुल्तान मुझे बहुत पसंद करती है, मालूम है उनके बच्चे मेरी गोद में पैदा हुए थे, कभी कभी मिलने के लिए जाती हूँ। ओहो ठीक है जाओ, तुम्हें मना किसने किया है, लेकिन पहले इजाजत मांगा करो। अगर हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा तो ये जगह कोई बाजार बन जाएगी। माजरत चाहती हूँ। ठीक है चलो काम करो अपना, चलो चलो। जी अच्छा। वल्ला अब तुम हरम के काम यहाँ निपटा रहे हो सुम्बुलागा। मिठाई है क्या? मिठाई? अल्लाह 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 अल्लाह। मलिका, आका तन्हा नहीं है। कब मुकम्मल हो गया अंगुश्तरी? अभी काफी काम बाकी है। इसे अपनी मोहब्बत की मोहर बनाकर उंगली में पहनने के लिए बहुत बेचैन हूं मैं। बहुत खूबसूरत आईना है ये। जब भी देखोगे ये आईना मैं ही नजर आऊंगी। आप पर जान फिदा करने वाली हुरम दिखाई देगी। कौन है अंदर, मुझे बताओ फौरन। मलिका अंदर कौन है? फिरोजा खातून है अंदर। मोहब्बत का मकसद जिसने मुझे शिकस्त दे दी, मेरे दिल को, मेरे फैसलों को खत्म कर दिया। या रब वो मेरी जिंदगी का हासिल, वो मेरा रहम दिल बादशाह क्यों बेरहम होकर एक पत्थर दिल बन गया। काश मैं जान सकती। या रब इस उठते हुए गुबार में, या रब ये मेरी फरियाद, मेरी आहें, मेरी मोहब्बत के दिल तक पहुंच सकेंगे क्या? मेरी मोहब्बत क्या ये सब सुन लेगी? काश मैं जान सकती। या रब मेरे इखलास में कोई कमी ना थी, बेलौस चाहत थी, फिर ये सब क्यों हुआ? किस गुनाह की सजा मिली है? काश मैं जान सकती। या रब मैं काश जान सकती। एक अदना सी कनीस मैंने जिस पर रहम खाया, जिसकी मदद की मैंने, तो मेरे खिलाफ क्यों खड़ी हो गई?
मोहब्बत की वो बारिश जो मेरे वजूद पर बरसती रही, अब वो बारिश किसी और का नसीब कैसे बन गई? काश मैं जान सकती। धड़कन गायब होने के बाद अब मेरा दिल कैसे धड़केगा? मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है। जिंदगी बेरंग हो चुकी है। बेमायने हो चुकी है। या रब, अब जीने से कोई फायदा नहीं। शायद मेरी मौत मेरे महबूब के दिल में मेरी मोहब्बत को बेदाग कर सकेगी। ये आप क्या कर रही हैं? आप कैसे ले सकती हैं अपनी जान? आप होश में आए मल्लिका? 5 औलादे हैं आपकी, उन्हें आप यूं कैसे छोड़ सकती हैं? मल्लिका जरा सोचे। अफीफा खातून, मल्लिका मेरी मल्लिका। तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? फातिमा खातून को देखा था, उम्मीद से हैं वो। अनकरीब तुम्हें एक औलाद से नवाजेगी। सिर्फ वो ही नहीं, महल में और भी बहुत सी कनीजें हैं, वो सब तुम्हारी मुंतजर रहती हैं। ये मेरे वहमो गुमान में भी ना था। कोई दूसरी औरत तुम्हारे करीब आई, ये मुझसे कभी बर्दाश्त ना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। हेलेना, तुम शहजादी हो अपनी जगह, लेकिन जब तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हें दिल दे बैठी। तुम्हारा नाम इब्राहिम था, एक आम सा इंसान, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन अब ये मुझे अंदाजा है तुम क्या महसूस कर रही हो। तुम्हें नहीं पता मैं यहां कैसे रहूंगी, नहीं मालूम। बाहर निकलना ममनू है, सारा दिन महल में गुजारना है। अम्मी की याद आती है, बाबा की, रीटा की, कालीनों की खुशबू भी याद आती है। हेलेना, मेरी मासूम से मोहब्बत, ऐसी बातों से उदास मत हो। तुम जब चाहो हम बाहर जा सकते हैं, तो मैं ले चलूंगा तुम्हारे घर। वादा? वादा। उस आगा से कहो इसे जल्द अज जल्द पाया तख्त तक पहुंचा दे। फिक्र ना करें आप। मल्लिका, क्या भिजवाया है? अहले खाना के नाम मकतूब था मल्लिका, अपनी खैरियत से आगाह करने के लिए। समझ गए। कोई मसला है क्या मल्लिका? मुस्तफा, कुछ अरसे से उसकी हालत देखकर परेशान हूं मैं। एक खातून का इतना गर्वीदा होना अच्छी अलामत नहीं। वो निहायत मसरूर है। अहम जिम्मेदारियां बाकी हैं बहुत सी, तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। तश्री अली, मेरे बेटे को हर तरह की परेशानियों से बचाना तुम्हारा असल फर्ज है। आप मुझ पर एतमाद रखें। एक वली है शहजादे की जिंदगी खतरात से भरी होती है। उड़ते परिंदे से रेंगती चींटी तक हर शय पर नजर रखनी होगी तुम्हें तश्री अली, इसलिए कि मैं शहजादे के उठाए हुए हर कदम से बाखबर रहना चाहती हूँ। अगर हालात मेरे बस से बाहर हुए तो फौरन आपको ही आगाह करूंगा।
शहजादे। नाम क्या है तुम्हारा? क्लारा। ऐसे भी क्या उजलत, क्या फौरन जाना चाहती हो? शहजादे मैं शहजादे मोहतरम मखल तो नहीं हुई मैं? आओ मेहरमा। शहजादी खूबसूरत खातून है ना? कौन? अनजान मत बनो, क्लारा की बात कर रही हूँ। तुम कैसे आई हो मेहरमा? अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती क्या? जिस लिए आई हो तुम वो बताओ। अनकरीब मनीषा जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझसे नहीं पूछो, बाबा से कह दो काफी होगा। वो तो है, मगर वालिदा ना गई तो मुझे भी नहीं जाने देंगी, तुम्हें पता है। वैसे वहाँ जाने की इतनी ख्वाहिश क्यों है तुम्हारी? माहे दौरा सुल्तान की याद तो नहीं आ रही कहीं? नहीं, मुस्तफा भाई याद आते हैं, वो तुमसे ज्यादा ख्याल रखते हैं मेरा। और कुछ? और क्या, मेरे से तुम पर एहसानात हैं गिनवाना शुरू करूं? हेलेना। फिदान खातून। आओ मेरे साथ। क्या हो गया? तुम सवाल बहुत पूछती हो खातून, तुमसे जो कहा जाए वो करो, चलो आगे। मुझे बुलवाया आपने? बाज बातें पहुंची हैं मेरे कानों तक। तुम यहाँ अपनी खुशी से नहीं आई हो, जाना चाहती हो, फिदान से भी मदद मांगी थी तुमने। तुम्हें यहाँ रोकने वाली कोई चीज नहीं है। दुरुस्त, जब यहाँ आई थी तब मैं नीम जान थी, लेकिन अब दोबारा मुझे जिंदगी मिल गई। इसका क्या मतलब है? शहजादे के साथ रहना चाहती हूँ, ये मतलब है। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यहाँ लाया गया है, अगर यहाँ से जाना है तो मदद करेंगे तुम्हारी। नहीं जाऊंगी। वैसे भी मना है, कोई भी नहीं जा सकता। ले जाओ उसे मेरे सामने से। मालिका, कल ख्वाबगाह के दरवाजे पर इंतजार से आपको सदमा पहुंचा होगा। आपने मेरे साथ एक समझौता किया था, अगर मैं आपकी गहरी मोहब्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दूं तो आप जहर पी लेंगी, आपने ये कहा था मुझसे। बिल्कुल हाँ, कहा था मैंने। मैंने जुमेरात की शब आपसे छीन ली, आपकी मोहब्बत के खात्मे का यह ठोस सबूत है। यकीनन ऐसा ही होता अगर तुम अपनी शर्त पे पूरी उतरती, लेकिन तुम वो सब नहीं कर सकी। फिरोजा, कर चुकी हूँ पहले ही। किसे धोखा दे रही हो खातून? आका ने कल शब तुम्हें अपने कमरे में वापस भेज दिया था। आप खुद को रंजीदा ना करें मलिका, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आका ने फिरोजा खातून को भेज दिया कमरे से। मुझे हकीकत बताओ। हकीकत यही है मलिका, आपके जाने के बाद आका ने उसे फौरन वहां से भेज दिया, खिलवत नहीं हुई। और अगर ऐसा हुआ भी है
तो कल रात आका के पास मैं थी, आपको नहीं, मुझे बुलाया था उन्होंने। अहम बात उनका बुलवाना नहीं है बल्कि उनके साथ रहना है। ये कोई बात नहीं हुई, अभी मैं हारी नहीं, अभी तो हमारे सामने बहुत से ऐसे दिन आएंगे। फजूल में खुद को हलकान मत करो, तुम्हें सुनने के लिए वक्त नहीं मेरे पास। निगार खातून, हर जगह तुम्हें तलाश कर लिया। क्या हुआ, खैरियत है? आओ मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है फीफा खातून? खजीना सुल्तान ने तुम्हें अपने पास बुलवाया है, वहाँ जाओगी तुम। हुआ क्या है, क्यों बुलवाया है? मुझे क्या मालूम, बस बुलाने का कहा है। चलो जल्दी चलो। आओ। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। सुलेमान। आओ हुरम, क्या मसला है? आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ, इजाजत हो तो एक इदारा बनवाना चाहती हूँ। कैसा इदारा, क्या सोचा है तुमने? काफी दिनों से जहन में था कि एक इमारत बनवाई जाए जिसमें महरूम और जरूरतमंद लोग रह सकें। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो खजाने में से तुम्हें एक खतीर रकम दे दी जाएगी। जरूरत नहीं है सुलेमान, मैं तमाम अखराजात अपनी जमा शुदा रकम से पूरी करूंगी। सल्तनत के तमाम अहम शख्सियात और उनकी बेगमात को मधु करना चाहती हूँ, उन सब से ये इदारा कायम करने के लिए इमदाद का कहूंगी मैं, माली इमदाद नहीं। उन लोगों से इदारे की तरक्की में साथ देने की दरखास्त करूंगी। लगता है हर बात का मुकम्मल जायजा ले चुकी हो। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जैसे चाहो वैसे ही करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। शहजादी, पाशा मोहतरम, इधर मेरे पास आओ निगार, करीब आओ। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है यकीनन जानना चाहती होगी तुम, क्यों है ना? हुरम सुल्तान को तुम्हारी यहां आमद की खबर है क्या? नहीं पाशा। आला, शहजादी, पाशा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? और उस तुम्हारा Oh,
शहजादी माजरत चाहता हूँ, आका को मेरी जरूरत होगी, महल वापस जाना चाहता हूँ। मैं भी चलूंगी, मुझे आका से मिलना है, एक मसले पर बात करनी है आप दोनों के मुतालिक। हमारे मुतालिक? तुम्हारे और निगार के। मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। क्या तुम जानती थी इस शादी के बारे में? नहीं आगा, मुझे तो खबर भी नहीं थी। फिर ये बात कहां से निकल आई? हमारे लिए कैसे मुनासिब समझा? मैंने तुमसे कहा था आगा, पाशा तुमसे और शहजादी मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं। अगर उनकी नहीं मानी तो बर्तरफ कर दिए जाएंगे हम बहुत जल्द। ये इतना आसान नहीं है, हुरम सुल्तान रुकावट बनेंगी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते मुझसे शादी करना? सुम्बुल आगा कहाँ चला गया? वो तबीबा के ताकुब में गए हैं मलिका। हाँ वो मसला, वो खातून यकीनन कुछ छुपा रही है। खजीना सुल्तान अगर उम्मीद से होती तो अलग बात थी, वो क्या छुपा रही है? सुम्बुल आगा बाहर जाने के लिए बहाने ढूंढते हैं मलिका। शहजादी, मेरी मुलाकात का जवाब तो नहीं देने आई? आका से मिलने आई थी, गुजरते हुए सोचा तुमसे भी मिलती चलूं। आप फिरोजा के पास जाएं, फिलहाल उसे आपकी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है इस वक्त। दरअसल आपकी वजह से वो इस हाल को पहुंची है। तुमने जो कुछ भी किया मैं जानती हूँ हुरम। निगार बेचारी को पूरी तरह इस्तेमाल करके तुमने इब्राहिम पाशा के लिए जाल बुना, लेकिन मुझे उन पर पूरी तरह एतमाद है हुरम। तुम्हारी साजिशों पर मैं एतबार करने वाली नहीं। शहजादी, हर मामला साजिश से ही शुरू होता है, सिर्फ एक चिंगारी काफी होती है आग को भड़काने के लिए। वो चिंगारी किसी और जगह आग लगा चुकी है। तुम्हारी उस इंतहाई चहेती निकाल की शादी रुस्तम आगा से करवा रही हूं। शहजादी। सुम्बुल आगा, ऐसे कहाँ जा रहे हो तुम? हुरम सुल्तान ने बुलवाया था मुझे यहाँ। तुम्हारा हाल देखकर अफसोस होता है सुम्बुल आगा, पाशा भी मुतमईन नहीं। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, मेरी क्या मजाल शहजादी, हुरम को हुरम सुल्तान संभाल रही है। संभल कर कदम रखो, तुम पर नजरें हैं।
मलिका। सुंबुल आखा, तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद नहीं। फौरन चले जाओ यहाँ से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। निकाह और रुस्तम की शादी करवा रहे हैं। हाय अल्लाह, बस यही कमी थी। असल में बुरा भी नहीं होगा, कम से कम हमारे ही बंदे से शादी होगी, बाद में बच्चे भी होंगे छोटी छोटी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। अब मेरे हाथ से दोनों निकल जाएंगे, ना निकाह रहेगी ना रुस्तम। मलिका, अब क्या हुआ? ऐसी खबर लाया हूं कि वल्लाह जमीन और आसमान एक हो जाएंगे। सुनो खातून, इसकी तरफ से लापरवाही मत करना, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। शहजादी ने खास तौर पर हिदायत की है मुझे, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मुझे बताओ, दोबारा आते हुए मैं लेती आऊंगी। सब कुछ है, सिर्फ ताजा फल और सब्जियां नहीं है, वो ले आए। ये निगार की बेटी है, बताओ मुझे। मलिका, मुझे जवाब चाहिए। निगार और इब्राहिम पाशा की जो बेटी हुई थी वो यही है ना? नाज़ली। फरमाइए मलिका। निगार का ढूंढो, मेरे पास लाओ। जो आपका हुक्म मलिका। बंद करो, बंद करो, दरवाजा बंद करो, आराम से। डरो नहीं मेरी जान, डरो नहीं, मैं यही हूँ। अब क्या होगा आगा? फिलहाल तुम्हें ही इस बच्ची का ख्याल रखना होगा अच्छी तरह से, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। हाय माशाल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है ये, बिल्कुल माँ की तरह। मलिका आओ, निगार करीब आओ। लगता है मामला आपको मालूम हो गया। तुमने फिर से क्या कर दिया? खजीना सुल्तान ने मुझे बुलाया था, वहां पहुंची तो पाशा भी मौजूद थे, बाद में रुस्तम आगा आ गए और उन्होंने रुस्तम आगा से मेरी शादी तय कर दी। मुझे खबर है। पाशा अब भी तुम्हें चाहते हैं, क्या ये सोच रही थी तुम? जब मेरे पास आई बुरा हाल था तुम्हारा, सदमों की वजह से बात भी नहीं कर पा रही थी। तुम्हारी औलाद को छीन लिया गया तुमसे, आप ये सब मुझे क्यों याद दिला रही हैं मलिका? अब क्या और जलना भी बाकी है मेरी किस्मत में? मैं तो पहले ही जलकर खाक हो चुकी हूं। तो फिर तुम्हें एक नई जान की जरूरत है निकार। माजरत चाहती हूँ मलिका, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं समझी नहीं मैं। रुस्तम आगा से शादी करोगे तुम निकार? रोने धोने के बजाय जल्द से जल्द एक बच्चे की मां बन जाना चाहिए तुम्हें। तुम्हें बेहतर करने वाली यही एक चीज होगी। इन सब बातों के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? बंद करो ये खेल निकार,
रुस्तम आगा को तुम किन नजरों से देखती हो मैं जानती हूँ। ये शादी एक सजा के बजाय इनाम होगा तुम्हारे लिए, मुस्तकबिल रोशन होगा तुम्हारा। रुस्तम आगा से शादी करके तुम ताकतवर हो जाओगे और दुश्मन के करीब भी हो सकोगी, लेकिन मुझे फिक्र है तो सिर्फ इसकी, ये फैसला कैसे हो गया? मैं ये सब कुछ चाहती थी मलिका, रुस्तम आगा से शादी की दरखास्त की पाशा से। मैंने कहा एहसानमंद रहूंगी आपकी, वो खामोश रहे, जवाब दिए बगैर चले गए। उस वक्त मैं समझी वो हसद कर रहे हैं, किसी और से शादी की इजाजत कभी नहीं देंगे मुझे, लेकिन गलत फहमी थी। इस शादी पर भरोसा मत करना निकार, इस ताल्लुक को खत्म करने के लिए 3 लफ्ज चाहिए, तलाक, तलाक, तलाक। मेरे आका, अगर आप मसरूफ हैं तो मैं फिर आओ। पाशा, मैं अबू सऊद की तजावीज पर नजर डाल रहा था, जल्द ही दरबार बुलाकर इस हवाले से मशवरा किया जाए। बिल्कुल। फ्रांस का इल्ची क्या कहता है, क्या चाहता है फ्रांस हमसे? मेरे आका, मैं भी आपको उसी के बारे में मालूमात फराहम करने आया था। पहले तो कप्तान पाशा खिजर रईस से मुलाकात करके जिनेवा पर हमला करने के लिए हमसे मदद मांग रहा है। इत्तेहाद करना चाहते हैं क्या? पोप से डर नहीं लगता क्या? मेरे आका, गुज़श्ता बरस पोप क्लेमेंट ने शाह फ्रांस में मार्सिलिया के साथ मुलाकात में सियासी समझौता करके शाकलेन के खिलाफ इत्तेहाद कायम किया था, जिसके नतीजे में फ्रांसवा के बेटे हेनरी के साथ पोप की भतीजी कैथरीन डी मेडिची की शादी हुई। फ्लोरेंस आली मेडिची के साथ किया? जी हाँ मेरे आका, बरसों पहले मरने वाले फ्लोरेंसा साहब और अल्बिनो डुको लोरेंजो डी मेडिची की बेटी। वो अपने दादा की शोहरत से फायदा उठा रही है, उसे शानदार लोरेंजो कहते हैं। काफिरों के लिए शानदार होना कितना आसान है, इंसान समझेगा कई मुल्क फतह कर रखे। उसके दादा लोरेंजो मेडिची शायरों, फनकारों, आलमों के हल्के में काफी मशहूर है, बल्कि उनके बनाए हुए मुजस्मे फ्लोरेंसा में नस्ब भी किए गए, इसी वजह से उन्हें अजीम कहा जाता है। बाद में आने वालों ने पेट्रो के लकब से मुखातिब करने लगे। मेरे आका, मेरे ख्याल में जिन कामों से आपकी अजमत को तकवीत मिले उसका वक्त आ गया है। अगर मुझे अपने ख्यालात समझने वाला कोई ऐसा मेहमान मिला तो ऐसी यादगार बनाऊंगा कि दुनिया उसे दूर दूर से देखने आएगी, सारा आलम शशदर रह जाएगा। निकार की बेटी को महफूज मकाम पे पहुंचा दिया गया है। खूब है, किसी को भी पता ना चले। बिल्कुल। और निकार खातून? खास तौर पर उसे नहीं मालूम होना चाहिए संबल, कम से कम हमारा मकसद पूरा होने तक। इब्राहिम पाशा कहाँ है, मालूम किया क्या तुमने इस बारे में? महल में ही है मलिका। मेरे आका, मालूम है अतालिया में 20 से ज्यादा वलीद है, लेकिन उनमें कोई इत्तेहाद नहीं। मैकियावेली नाम के एक काफिर ने शहजादा नाम की एक किताब लिखकर लोरेंजो को पेश की है, उसके मुताबिक अतालिया को हथियारों से लेस करके मुल्क से सब गैर मुल्कियों को वतन बदल करके इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, लेकिन सुना है कि किताब में ऐसे गैर इखलाकी मशवरे दिए हैं कि मैकियावेली मरते दम तक वो किताब सामने नहीं आने देगा। वो किताब किसी भी तरह तलाश करो पाशा, तलाश करो ताकि हम जान सकें क्या कुछ पोशीदा रखा गया है हमसे। फ्रांस के एलची से मुलाकातें जारी रखो, हम शार्कलेन के खिलाफ फ्रांसवा की इमदाद हर हाल में जारी रखेंगे। इसके अलावा लूथर और पोप क्लेमेंट को मत भूलना, ईसाई दुनिया में ये तफरीक एक बहुत ज्यादा गहरी दरार डालने वाली है। आप जैसा हुक्म करें मेरे आका। इब्राहिम पाशा, वो शादी वाला मामला क्या है? रुस्तम के साथ निगार खातून की शादी के मुतालिक बताया गया है। दुरुस्त है आका, खजीना सुल्तान का फैसला है ये।
रुस्तम आगा कहाँ गायब हो गए थे परचम आगा? कई बार पूछता रहा तुम्हारा। हुरम सुल्तान के हमरा कहीं जाने की जरूरत पड़ गई थी आगा। खैर तो है। फातह के एक मकान में जाना हुआ, एक बच्ची थी वहाँ। कैसी बच्ची? मलिका का इससे क्या ताल्लुक? निगार खातून की बेटी थी, वो जिंदा है आगा। बा अदब। शहजादी। रुस्तम आगा, मेरे लिए घोड़ा ले आए क्या? जी बिल्कुल शहजादी, सवारी करेंगी क्या आप? नहीं, सिर्फ देखना चाहती हूँ। ठीक है। रमजान आगा, निकार से शादी कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं है। मेरी क्या मजाल, अगर ऐसा मुनासिब समझा है तो फिर। इब्राहिम पाशा। मलिका, काफी दिनों से हमारा सामना नहीं हुआ, खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। आपको देखकर ठीक हो गई हूँ। आका से मिलने आई हैं तो मिल लें। फिरोजा खातून अभी नहीं है, वो तना है। क्या खूब कहा आपने, फिरोजा नहीं है। लेकिन निगार तो मौजूद है अभी तक। उसकी रुस्तम के साथ शादी करवा के अपनी जान छुड़वाने का सोच रहे हैं आप। कहीं ये फिर से नकली शादी तो नहीं होगी? तलाक दिलवाकर उसे दोबारा अपने साथ रखना चाहते हैं। अपनी हद से बड़े मसाइल में मत उलझे आप। उस दिन क्या हुआ था जानते हैं? किस दिन? जिस दिन निगार मां बनी थी उस दिन एक बेटी हुई थी। कहा गया कि वो मुर्दा है, आपने भी यकीन कर लिया होगा और उसी को तरजीह दी। कोई कुछ भी कह ले, खजीना सुल्तान एक मासूम की जान कभी नहीं ले सकती। सच कहते हैं, मुझे भी यकीन नहीं था वो इतनी जालिम नहीं हो सकती। इस सूरत हाल में दो बातें रह जाती हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई, या फिर वो बच्ची कहीं ना कहीं सांस ले रही होगी। पाशा, आपको पसंद आया? हाँ, बहुत खूबसूरत घोड़ा है। किसका है? मेरा घोड़ा है, पैदा होने के दिन से मैं इसे पाल रहा हूँ। नाम क्या है? बुतुमीर। 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 जी जी सही। क्या मतलब है इस नाम का? मेरी आबाई जगह का नाम है, मैं क्रोशिया का हूँ। क्रोशिया के हो तो मतलब, कैसी जगह है? सुना है बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मुझे याद है खूबसूरत थी शहजादी, नहरें थीं, जंगल, सारा दिन घोड़े पर घूमता रहता था, इसलिए मुझे सारी जगह याद है अब तक। घोड़े पर? जी हाँ, क्योंकि मेरे बाबा घोड़ों की देखभाल करने वाले थे। क्या अब तक वो वहीं पर है? कुछ मालूम नहीं शहजादी, जब उनसे जुदा हुआ तब 9 साल का था, उसके बाद कभी वापिस नहीं गया। सफेद बालों वाला। आइए शहजादी। अगर आपका दिल चाह रहा है तो सवारी कर सकती हैं। जरूरत नहीं है। इजाजत दें आपको इस खौफ से बाहर आने में आपकी मदद करूं। बाद में। जैसा आपकी मर्जी। आ जाओ। गुलफाम खातून, कोई अहम मसले के लिए आपने बुलवाया था, कहीं खजीना सुल्तान तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। गुलफाम खातून, काफी दिनों से एक उलझन में उलझा हुआ हूं, चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। मुझसे अगर कुछ हो सका तो।
हसीना सुल्तान के साथ आपकी दोस्ती का मालूम है। कोई भी बात छुपी नहीं है आपसे। बाज़ अफवाहें पूरे महल में घूम रही हैं। सुना है कि निगार की पैदा होने वाली बच्ची यानी मेरी औलाद मुर्दा पैदा नहीं हुई थी। खजीना सुल्तान ने हुक्म दिया था मारने का। पाशा, इन अफवाहों पर बिल्कुल एतबार ना करें आप। शहजादी तो एक चूंटी भी नहीं मार सकती हैं, तो एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती हैं? नामुमकिन है ये। मैं खुद उसकी शाहिद हूं। वो बेगुनाह मुर्दा पैदा हुई थी तो उसे दफना दिया गया। तो फिर उसकी कब्र भी होगी। बताएं, आप क्यों पूछ रहे हैं? अल्फाम, मैं ये हकीकत हर हाल में जानना चाहता हूं। कहां है वो कब्र? शकर आगा से कहो कि अदरक का शरबत तैयार करे मेरे लिए। मेरे सर का दर्द अब तक ठीक नहीं हो सका। जो आपका हुक्म मलिका। जहांगीर को शहद और दूध देना मत भूलना। नाजली, नाजली, फरमाइए मलिका। शहजादे कहाँ हैं? सब अपने कमरे में हैं मलिका। लेकिन शहजादे जहांगीर के अलावा। क्या मतलब उसके अलावा? जब आप हरम में थी तब किराज आगा आए थे, बोल रहे थे आका मिलना चाहते हैं उनसे। वो ख्वाब का नहीं है क्या? इस मेहमान जहांगीर अस बिसारे सुल्तान सुलेमान अस्त। शहजादे भूले नहीं आप। शहजादे जहांगीर, तुम अपने भाइयों से पहले फारसी जुबान सीख जाओगे। फिरोजा मुझे शेर सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, अब कुछ नहीं सुनाती। शहजादे उदास ना हो, मैं सुनाऊंगी। वालदा तुम्हें पसंद नहीं करती, वो नहीं चाहती। मुनासिब मौका देखकर तुम मिल लिया करना। शब के इस पहर यहां क्या करने आए? खैरियत तो है? एक कब्र ढूंढ रहे मतरक जी, वो कब्र जिसमें मेरी औलाद दफन है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पाशा मोहतरम, जिसकी तलाश थी वो कब्र मिल गई। तुम्हें यकीन है क्या? जी हां पाशा, इस पर अब्दुल्ला की दुख्तर निगार खातून लिखा है। दुख्तर? वल्ला खुशी हुई निगार खातून का सुनकर। जान बख्शी गई और हमारे मीरे अस्तबल से शादी हो रही है। उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक आ जाएगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। मुझे तो बेचारी बच्ची का अफसोस है। कौन बच्ची? जो भी है, तुम्हें इससे क्या? चलो जल्दी से तैयार करो, शहद वाला दूध भी ठंडा कर दो ताकि बच्ची का पेट भर जाए। संभल आगा, मैंने तो बच्ची का ही पूछा था, मगर तुम्हें क्या हो गया? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। सबको शब्बा खैर। तुम्हें भी शब्बा खैर।
देखा नेक इंसान फौरन अपने जिक्र पर पहुंच जाता है। अरे रुको, वो शहजादे का था। हाय अल्लाह, देखो जरा इसे। हुआ क्या है इसे? मैं भी नहीं समझा, सुबह से ना जाने किस लिए इसका मुंह उतरा हुआ है। क्या होगा बेचारी बच्ची का, बस यही कह रहा है। है कौन वो? मैंने भी पूछा था मगर कुछ नहीं बताया। चलो खैर, तुम क्यों आई हो? मेरे सर में दर्द है, पुदीने का पानी बना दो मेरे लिए, शायद आराम आ जाए। अल्लाह अल्लाह, आज तो सबके ही सर में दर्द हो रहा है। पाशा मोहतरम। हाँ कहो। ये कब्र खाली है पाशा? कैसे खाली हो सकती है, देखो ठीक से। जरूरत नहीं है नसू साहब, ये बच्चे की कब्र है, बिल्कुल नया कदबा लगा है इस पर। बच्ची को शायद कहीं और दफन किया हो। मत रख जी, मेरी बच्ची जिंदा है, मत रख जी। मेरा क्या होगा आगा? डरो नहीं खातून, अब तुम हुरम सुल्तान के साए में रहोगी। और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वहां भी ख्याल रखा था, यहां भी देखभाल करो। नाम क्या है? कदर। कदर, अब बुरे दिन तुम्हारे मुकद्दर से रुखसत हो गए। शहजादे का दिल तुमने फतह कर लिया है, शुक्र है तुम्हारे हाथों से इसे शिफा मिल गई। मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? आपके दिल में इसकी बहुत अहमियत है, मेरे दिल में भी इसकी अहमियत है। मैं एक अदना और बिचारी कनीज, सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्बत के सिवा और क्या चाह सकती हूं मैं। आ जाओ। मेरे आका, मेहरमा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो। बाबा। मेरी जहांसी बेटी, आओ। खुश आमदीद शहजादी। मैं जहांगीर से मिलने गई थी, मालूम हुआ वो यहाँ है। आओ बैठ जाओ। माजरत चाहती हूँ, वक्त काफी हो गया है, जहांगीर को सो जाना चाहिए, इजाजत दें तो उसे ले जाना चाहती हूँ मैं। आओ मेरी जान। तुम्हें शब्बा खैर जहांगीर।